जबरदस्त, वाओ, देखिए कितने फ्लफी बने हैं, जबरदस्त बने हैं, आप लोग जरूर ट्राई करिएगा। सो फ्लफी, सो यमी, जस्ट लुकिंग लाइक ए वाओ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? देखिए आज मैं लाई हूँ डोनट्स की रेसिपी, बहुत सॉफ्ट, बहुत अच्छे बन के तैयार हुए हैं। इस रेसिपी को आप लोग जरूर फॉलो करिएगा, किसी पार्टी में बनाइए तो बच्चों के तो फेवरेट होते हैं, आप इसको लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। चलिए देख लेते हैं कि हमने डोनट्स कैसे बनाए, रेसिपी चेक कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आधा कप हम गरम दूध डालेंगे, 1 टेबल स्पून ईस्ट डालेंगे और 2 टेबल स्पून पिसी हुई शक्कर डालेंगे। मिक्स करके 10 मिनट के लिए रख देंगे। देखिए 10 मिनट हो गए हैं, साइज में डबल हो गया है। देखिए इस तरह से बबल्स आ जाएंगे तो आप समझिए कि आपने जो ईस्ट डाली है वो बिल्कुल सही है। आपने ये ईस्ट को फुलाने के लिए रखा है और वो इस तरह से नहीं हुई है तो समझ जाइए कि ईस्ट ख़राब है। फिर आप इस वाली ईस्ट से मत बनाइए, फिर आप दूसरी ईस्ट लीजिए। ये मेरे पास 2 कप मैदा है, इसको मैंने अच्छे से छान लिया है और इसके अंदर अब ये 1/2 कप शुगर जाएगी, चीनी जिसको मैंने बारीक पीस लिया था, चीनी पाउडर 1/2 कप, और ये 1 अंडा है रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए, ये इसके अंदर डाल देते हैं। ये मेरे पास 1 टेबल स्पून मिल्क पाउडर है, ये भी डाल देते हैं। टू टेबल स्पून इससे ऑयल डालेंगे। अब ये जो ईस्ट है इसे डाल के हम थोड़ा थोड़ा डाल के हम इसको गूंदेंगे, डो बनाएंगे। पहले हम इस तरह से मिक्स कर लेते हैं हाथ की मदद से। मैं इसे निकाल के काउंटर पे ही डाल देती हूँ, इसको अच्छे से नीट करना है ऐसे। मैंने काउंटर को अच्छे से साफ कर लिया था पहले। अब इसी बाउल के अंदर हम इसको रख देंगे डबल होने के लिए, डो को। इसके ऊपर हम 1 टीस्पून ऑयल डालेंगे। इसको डो को डबल होने के लिए रखेंगे 1 घंटे के लिए किसी गर्म जगह पे, किचन में आप माइक्रोवेव के अंदर भी रख सकते हैं। देखिए 1 घंटा हो गया है, देखिए बड़ी ज़बरदस्त राइस हो चुकी है डो। चलिए अब हम बना लेते हैं। मैदा डालेंगे थोड़ा सा के ऊपर हम बेलेंगे डोनट के लिए। चलिए बेल लेते हैं।
वन इंच की थिकनेस से हम इसको बेल लेंगे। ये मेरे पास स्टील का ग्लास है, मैं इसकी मदद से काटूंगी डोनट को इस तरह से। ये एक बॉटल का ढक्कन है, इसकी मदद से हम बीच से भी काट लेते हैं। इस तरह से ये बीच से निकाल लेते हैं। अब जो बचा इसको भी दोबारा से ऐसे ही कर देंगे। अब हम इसको भी इसी तरह ग्लास की मदद से काट लेंगे। देखिए 2 कप मैदे के 24 डोनट बनके तैयार हुए हैं। अब हम इसको ढक के रखेंगे आधे घंटे के लिए। देखिए आधा घंटा हो गया है, अब हम चेक कर लेते हैं। चलिए अब फ्राई कर लेते हैं। डोनट को फ्राई करने के लिए ये देखिए हम ऑयल डाल लेते हैं। ये मेरे पास रिफाइंड ऑयल है, रिफाइंड ऑयल में मैं इसको डोनट को तलूंगी। गर्म हो जाएगा फिर हम डोनट को फ्राई करेंगे। देखिए ऑयल गर्म हो गया है, फ्राई कर लेते हैं। लो टू मीडियम फ्लेम पे हमें फ्राई करना है। अगर तेल ज़्यादा गर्म होगा तो ये ऊपर से पक जाएंगे, अंदर से कच्चे रहेंगे। और बहुत ज़्यादा लो भी नहीं करनी है, अगर ज़्यादा लो होगा चूल्हा तो इसके अंदर ऑयल भर जाएगा और ये ज़्यादा फ्लफी और इतने सॉफ्ट नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए देखते रहना है, हमें लगे कि चूल्हा बहुत ज़्यादा लो हो रहा है तो हमें उसे थोड़ा सा मीडियम कर लेना है। बहुत ज़्यादा हाई पे भी नहीं पकाना है, बहुत ज़्यादा लो पे भी नहीं पकाना है। ऑयल भी हमें देख लेना है कि हमें जो है फ्रेश ऑयल लेना है, यूज़ किया हुआ ऑयल में हमें फ्राई नहीं करना है वरना तो वो महक आ जाएगी। एकदम फ्रेश ऑयल लेके हम इसको फ्राई करेंगे और ज़्यादा एक साथ नहीं डालने हैं। जैसे कि बस 4 हमने डाल दिए अपने, आपके पैन के ऊपर भी है, ज़्यादा बड़ा पैन है तो आप डाल सकते हैं, 5 भी डाल सकते हैं, लेकिन कम कम ही फ्राई करने हैं, ज़्यादा एक साथ नहीं फ्राई करने हैं। देखिए ये हो चुका है, इस तरह करके हम एक एक करके निकाल लेंगे सब दोनों। देखिए फ्राई हो गए, ये दोनों तरफ से गोल्डन हो गए, कितना अच्छा कलर आया है। अब हम निकाल लेते हैं इसको। सारे डोनट फ्राई हो गए, देखिए कितना प्यारा कलर आया है, सब फ्राई हो गए। देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखिए डोनट हमारे सब फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसको डेकोरेट कर लेते हैं। ये मैंने क्रीम के साथ डार्क चॉकलेट को मेल्ट किया है और ये कुछ डेकोरेशन के लिए ले लिया है।
देखिए मज़ेदार डोनट हमारे बनके तैयार हो चुके हैं, एकदम फ्लफी। और बस अब इसको डेकोरेट भी कर लेते हैं। देखिए हमने ज़बरदस्त डोनट्स बनाए हैं और उसके ऊपर अब हमने लगा दिए चॉकलेट। अब हम इसको डेकोरेट कर लेते हैं इस तरह से। देखिए डोनट्स बनके तैयार हो गए हैं, बहुत अच्छे, बहुत मज़ेदार, एकदम फ्लफी बने। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो करिएगा। अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। इसी तरह अच्छी अच्छी रेसिपी के साथ मैं मिलती रहूँगी। दुआओं में याद रखिएगा। अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल कुक विद आयशा सलमान को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाके जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ पर आपको अच्छी अच्छी और ईजी रेसिपी देखने को मिलेंगी। चलिए फिर मिलूँगी, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।